हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम माय न्यू वीडियो। तो लास्ट वाले क्राफ्ट्समैन के एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने टाइम मशीन बनाई थी जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते थे। तो मैंने टाइम मशीन बनाई, मैंने जैसे ही टाइम मशीन का बटन ऑन किया तो हम इस जगह पे आके ये जगह बिल्कुल चेंज है भाई, हमारी पूरी गेम चेंज हो गई, हमारे कंट्रोल चेंज हो गए हैं। और ये देखो भाई, मैं ये देखो, पूरी की पूरी इन्वेंट्री हमारी चेंज हो गई है, करेक्टर प्लेयर जो भी है हमारा बिल्कुल चेंज हो गया, क्राफ्टिंग टेबल चेयर सब कुछ चेंज हो गई है। मतलब जब से हमने टाइम ट्रैवल किया तो बिल्कुल पूरी गेम ही चेंज हो गई है। तो हमने जल्दी से जो हमने क्राफ्ट्समैन में जो टाइम तो टाइम मशीन बनाई थी जो क्राफ्ट्समैन में, वही टाइम मशीन हमने यहाँ बनानी है और टाइम ट्रैवल करके अपने घर चले जाना है। तो टाइम मशीन बनाने के लिए वुड चाहिए, तो मैं वुड जल्दी से तोड़ लेता हूँ और फिर मैं आपको टाइम मशीन बना के मिलता हूँ। ओके तो गाइस, मेरी टाइम मशीन बन गई है। मैंने जैसे ही इसका बटन मैं दबाऊंगा और मैं फिर से अपनी क्राफ्ट्समैन में चला जाऊंगा। तो जल्दी से बटन दबाते हैं इसका और टाइम ट्रैवल करते हैं। तो 1 2 3 लेट्स गो। और ये क्या हो रहा भाई, ये काम क्यों नहीं कर रही भाई। क्राफ्ट्समैन में ये टाइम मशीन मैंने ऐसी सेम टू सेम ऐसी बनाई थी लेकिन काम कर रही थी, यहाँ पे तो काम ही नहीं कर रही। ओ भाई, मैं घर कैसे जाऊंगा यार, ये नहीं काम कर रही भाई। उनको फिर बटन दबा के देखता हूँ भाई, नहीं काम कर रही। एक काम करता हूँ, मैं इसे तोड़ के फिर बनाता हूँ। यार ये क्या है। ओके गाइस, मैं बिल्कुल परेशान हो गया क्योंकि मैंने 3 दफ़ा इस टाइम मशीन को तोड़ के फिर बनाया इसी जगह पे बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने क्राफ्ट्समैन में बनाया था, लेकिन फिर भी ये टाइम मशीन नहीं काम कर रही। मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ भाई, टाइम मशीन काम ही नहीं कर रही। अब मैं अपने घर कैसे जाऊँगा। ओ भाई, ये मैं क्राफ्टिंग टेबल पहले अपनी तोड़ लूँ भाई, पूरी गेम ही चेंज हो गई है। मैंने वहाँ अपना घर बनाया था, वहाँ यहाँ मुझे फिर से घर बनाना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा। यार क्या क्या सोचा था मैंने, मैं जानवर रखूँगा, ये करूँगा अपने वर्ल्ड में, वो करूँगा, लेकिन सब कुछ पानी में फिर गया। ओके तो ये चलते हैं, ये यहाँ पे ऊपर चलते हैं। क्या घर कैसे जाऊँगा यार, मैं बहुत परेशान हूँ भाई, मैं बहुत परेशान हूँ भाई। मैं क्या करूँ भाई, क्योंकि मैं अपने घर चला जाऊँ। एक सेकेंड, पीछे मैंने कुछ देखा। ओ भाई, ये रास्ता जा रहा है पीछे। व्हाट, अंदर जा। अबे ये कौन है। गाइस, मैंने आपको कहा था ना इस गेम में ज़ॉम्बीज भी होते हैं। यार ये कौन है यार, मैं इस ज़ॉम्बी को मार लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अबे ये देखो मार रहा है मुझे। ओके गाइस, मैंने जैसे ही ज़ॉम्बी को मारा, ज़ॉम्बी ऊपर आ गया था तो मैंने ज़ॉम्बी को मार लिया। अब मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ ये रास्ता कहाँ जा रहा है। अबे ये कौन है, ये चेस्ट है इसके पास। और ये कौन है यार, देखो यार ये माइनक्राफ्ट सिंगल प्लेयर होती है, वो नहीं मल्टीप्लेयर भी होती है, लेकिन मैं सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में खेल रहा हूँ भाई, दूसरा बंदा कैसे आ सकता है भाई। एक सेकंड मैं इससे बात करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन है। और भाई इस वक्त तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन है कि मैं अपने घर अब कैसे जाऊँगा। चलो मैं इस बंदे से बात करके बताता हूँ आपको। ओके गाइज, ये बंदा, इस बंदे का नाम है डोजर्ट और ये मुझे कह रहा था कि इसे पहले का पता था कि मैं टाइम मशीन के थ्रू डेल लैंड्स में आ सकता हूँ। तो मैंने इससे बात की, मैंने कहा तू कौन है। इसका नाम था डोजर्ट और ये मतलब इसने ना गॉड है ना, जो गॉड ने इसे पावर दी हुई है कि ये पास्ट में और फ्यूचर में सब कुछ देख सकता है। तो अब ये हमारी मदद करेगा क्योंकि ये कह रहा है, मैंने इसे अपना सब कुछ बताया कि मेरी टाइम मशीन नहीं काम कर रही, मैंने टाइम मशीन बनाई, जो भी मेरे साथ कुछ सब कुछ मैंने इसे बता दिया और इसे सब कुछ पता था पहले का। ये मैंने आपको बताया कि ये पास्ट देख सकता है, फ्यूचर भी देख सकता है ये। और भाई मैं हैरान हो गया हूँ भाई। और ये बंदा कह रहा है कि मैं, ये बंदा मेरी मदद करेगा टाइम, अब मेरे घर तक छोड़े, मतलब ये बंदा मेरी मदद करेगा टाइम मशीन, एक दूसरी टाइम मशीन बनाने में। इस बंदे को पता है कि दूसरी टाइम मशीन कैसे बनती है, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि मैं तुझे अभी टाइम मशीन नहीं बना के दूंगा, उसके लिए तुझे मेरे कुछ मिशंस करने होंगे। तो ये कह रहा है कुछ मैं तुझे मिशन दूंगा, वो तुझे करने होंगे और फिर मैं तुझे टाइम मशीन बना के दूंगा या बनी हुई टाइम मशीन मैं तुझे दूंगा जिसके थ्रू तू अपने घर जा सकता। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर इसने कहा तेरे पास ना कोई आर्मर है ना टूल्स हैं। तो ये इसने कहा कि मेरी चेस्ट खोल, उसमें एक बुक होगी, उसमें सारी मैं ट्रेड मेरी है, मतलब ट्रेडर है ये एक, तो जल्दी से
चेस्ट खोलते हैं, वो भाई बुक एंड कोइल ऐसे ही नाम है, राइट करते हैं इसे। ओके ये इसकी ट्रेन है। भाई एक डर्ट के बदले में ये 10 डायमंड दे रहा है। भाई डायमंड से तो हम आर्मर बना सकते हैं, टूल्स भी, इतनी सस्ती ट्रेड एक डर्ट के लिए। 5 आयरन जो हमने माइन किए थे, 5 आयरन के लिए एक टोटम ऑफ अंडाइंग दे सकता है। तो टोटम ऑफ अंडाइंग ये होता है कि अगर हम टोटम ऑफ अंडाइंग को ले लें ना, तब हम अगर मरेंगे तब भी हम फिर से ज़िंदा हो जाएंगे, लेकिन अगर दूसरी दफ़ा मरेंगे तब हम लोग मर जाएंगे। लेकिन एक दफ़ा ये टोटम ऑफ अंडाइंग हमें मरने से बचा सकता है। अच्छा नीचे वाली ट्रेड है, 2 आयरन आर्मर के बदले 1 डायमंड आर्मर। भाई दो डायमंड के आर्मर पूरे के बदले एक पूरा डायमंड का आर्मर देगा। भाई कितनी सस्ती ट्रेड है, 1 डायमंड सॉर्ड, मतलब 1 डायमंड की तलवार के बदले ये 1 पिकैक्स और 1 वार लगेज। मतलब ये 1 डायमंड की हमें पिकैक्स देगा उसके बदले, और 1 वार लगेज, मतलब जंग होती है ना उसके लिए हमें कुछ टूल्स देगा और भी सामान देगा, बो वगैरह और टूल्स भी देगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड्स हैं, तो मैं जल्दी से ट्रेड कर लेता हूँ। सबसे पहले भाई ये 1 डर्ट के बदले वो मांग रहे हैं ना, 1 डर्ट के बदले ये देगा हमें 10 डायमंड, तो मैं इसे भाई 3 डर्ट दूंगा, 30 डायमंड हो जाएंगे। तो मैं जल्दी से डर्ट तोड़ के लाता हूँ। ओके गाइस मैं 3 डर्ट लेके आया, तो मैंने इसे कहा ये ले डर्ट, तो इसने कहा जो ये वाली चेस्ट है ना इसमें 3 डर्ट रखो और तुम्हारे 30 डायमंड हैं इस चेस्ट में, तो वो उठा लो। अबे भाई भाई रखते हैं 30 डायमंड, वो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 30 डायमंड है मेरे पास। एक सेकंड भाई इसे टूल बना लेते, टूल वगैरह भाई। ओके 1 डायमंड सॉर्ड भी बन सकती है यार, ये क्या बंदा है। इसे हम एक पिकैक्स करवा लेते हैं और अपना आर्मर भी एक, ये और ये। ओके डायमंड अब कितने हैं हमारे पास, 1 ही डायमंड है भाई, 1 डायमंड से क्या करेंगे। लेकिन फिर भी अब जल्दी से भाई ये पहन लेते हैं। ओके तो आधा आर्मर हो गया, बस मेरे जूते रहते हैं डायमंड के, वो भी बना लेंगे बाद में। और भाई डायमंड की देखो, डायमंड की सॉर्ड पिकैक्स शवल भाई। ओके गाइज मेरी इस ये बंदा ना अब कह रहा है कि ये मैं तुम्हें कुछ मिशंस देने वाला हूँ, वो तुमने करने हैं, फिर तुम्हें अपने घर जा सकते हो, मैं तुम्हें मदद करूँगा तुम्हारे घर जाने की, टाइम मशीन बना के दूँगा। तो अब हम मिशन करेंगे इसके, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।